गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जी स्टाइल। मैं हूं जाहिदा। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। जनाब, बड़ी मजेदार सी वीडियो है। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, बहुत मजे की चीज शेयर करने वाली हूँ, सो साथ रहिएगा। और उससे पहले क्या करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, लाइक करना है और प्रेस करना है नोटिफिकेशन का बटन। जी हाँ, बटन बटन बटन। और सारी वीडियोज देखनी है मेरी जनाब, सारी वीडियोज। ओके एंड थैंक यू सो वेरी मच। 200 से अब हो गए हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं आप लोग सबके साथ रहिए। जो है समर जो है वो स्किन के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स लेके आता है, तो उसको कवर करने के लिए आपको अपनी स्किन की ज्यादा केयर की जरूरत होती है जनाब। उसका मतलब ये नहीं कि आप रोज ही स्क्रब करें, रोज ही मास्क लगाएं, नो, बट एड सम गुड थिंग्स इन योर लाइफ। मैं यूज करने वाली हूँ, रिव्यू करने वाली हूँ, अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, लगाने वाली हूँ फेस के ऊपर, वो है टिश्यू मास्क। जी हाँ, एक और टिश्यू मास्क, लेकिन दिस टिश्यू मास्क इज डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए जनाब, दिस इज द टिश्यू मास्क, ठीक है। अब ये करता क्या है आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ऑक्सीजन है। ये करता क्या है जल्दी से पढ़ लेते हैं। इस पर लिखा है डीप प्यूरिफाइंग ग्रीन ऑक्सीजन बबल मास्क। ग्रीन टी के साथ है मास्क जो है, और ये आपकी प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफाइनिंग करता है, वाइटलाइजिंग करता है और मॉइस्चराइजिंग करता है। सर गर्मियां हो, सर्दियां हो, मॉइस्चराइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। हफ्ते में एक बार करें, दो बार करें, तीन बार भी करें, अपनी स्किन की कंडीशन देखते हुए आप उसको अपने तरीके से कर सकते हैं। ये 10 सुपरफूड कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है। अब कौन से हैं इसमें लिखा हुआ है, जैसे पढ़ते हैं, स्वीट एलमंड, ओट, बीन, ब्लूबेरी, ऑरेंज, केल, योगर्ट, पम्पकिन, ब्रोकली, सैल्मन, लाइक एवरीथिंग इज गुड फॉर योर स्किन। जनाब इसे यूज करने से पहले स्किन को अच्छे से ड्राई करें, क्लींस करें, ड्राई करें और फिर इसको लगा लें और 10 से 15 मिनट रखें। जब बबल्स जो है वो इतने हो जाएं कि काफी ज्यादा आपको लगना शुरू हो जाए, तो आप इसको हल्का सा रिंस ऑफ कर लें। अच्छा जनाब, ये आपने यूज नहीं करना अगर आपके स्किन पे कोई रेडनेस है, कोई पिंपल है, कोई किसी किस्म का सनबर्न है, या आपकी स्किन रेड और इरिटेट हो जाती है, स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, पील ऑफ मास्क आपकी स्किन को सूट नहीं करते हैं, तो आपने इसको यूज नहीं करना है जनाब। ठीक हो गया, तो जस्ट स्टार्टेड, ज्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्किन अच्छे से क्लींस हो चुकी है। अब मैं ये डीप प्यूरिफाइंग ग्रीन ऑक्सीजन बबल मास्क ले रही हूँ। इसको मैंने ओपन किया है और ओपन करने से पहले, लगाने से पहले इसको अच्छे से पैट करना है ताकि सारा सीरम अच्छे से जो है मास्क के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और कोई भी चीज़ ना बचे। तो अब मैं ये मास्क निकाल रही हूँ, आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर में है, बहुत रिफ्रेशिंग था, बहुत ही रिफ्रेशिंग इसकी स्मेल थी और इसके अंदर सीरम से भरपूर था। ये आप देख रहे हैं जैसे मैं खोल रही हूँ, ये वाइट वाइट होता जा रहा है। जी हाँ, जहाँ जहाँ मेरी फिंगर्स के निशान आ रहे हैं वहाँ वहाँ वो ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे एकदम इसका कलर आप देखेंगे चेंज हो गया है। तो आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अपनी स्किन पर जो है वो लगा लीजिए। कोई भी एरिया रहना नहीं चाहिए आपकी स्किन का। और अब यह देखें, जैसे ही मैंने इसको कांटेक्ट किया और जी छे मेरी बेटी क्या करी है। तो जी हाँ, दिस इज़ मॉमी लाइफ। और शुरू में भी जो आपने देखा है, दैट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ। यस यस, यू हैव टू एंटरटेन देम एज वेल। सो जी हाँ, देखें मैंने जैसे ही बबल मास्क जो है अपने फेस पे लगाया है तो एकदम उसका कलर चेंज हो गया है, वो ग्रीन से वाइट होना शुरू हो गया। तो जनाब इसको आप अच्छे से लगाएंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, बिल्कुल लाइक आफ्टर 5 मिनट्स जो है ना, अभी आप देखेंगे बबल्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। सो इसको अच्छे से लगा लीजिए। इसके अंदर जो है 10 जो है कॉम्प्लेक्स फूड्स हैं। जी हाँ, दे आर कॉल्ड सुपर फूड एज वेल। इसमें स्वीट एलमंड है, ओट है, इसके अंदर आपको मिलता है ऑरेंज, मिलता है केल, है योगर्ट, है पम्पकिन है, इसमें सोयाबीन है, ब्लूबेरी है, ब्रोकली एंड सैल्मन एग। ओ माई गॉड, सो मेनी थिंग्स जनाब। जो बाकी था वो मैंने हाथ पे लगा लिए और देखें जैसे मैंने अपनी गर्दन पे भी लगाया, ठीक है। 15 मिनट्स मैं इसको वेट करूँगी, 15 मिनट्स की ज़रूरत ही नहीं पेश आई थी, 10 मिनट बाद ही जो है वो इस तरह हो गया था। अंदर से देखें ग्रीन कलर की जेली टाइप इसका जो होता है, जैसे आपको एलोवेरा जेल होता है बिल्कुल उस तरह का टेक्सचर होता है, लेकिन लगाते साथ ही वो फॉर्म में बदल रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है एज पर दे से। और बबल जो है वो बनना शुरू हो गए हैं और अभी आप देखिएगा मेरा पूरा मुंह भर चुका है बबल के साथ। अब मैं इसको अभी मसाज करके आपको दिखाऊंगी किस तरह से वो देखें पैट कर रही हूँ, तो आपको फॉर्म फॉर्म फील हो रहा है। इतना फॉर्म हो गया था और रिंस हो गया था कि बहुत ही रेज हो गया था बबल्स मेरे पूरे स्किन के ऊपर। तो मैंने उसको अच्छे से प्रेस करना शुरू कर दिया है और अब मैं हल्के से मसाज कर लूँगी इसके साथ ही, ताकि जितना भी क्लेंस अच्छे तरीके से करे, क्योंकि ये डीप क्लेंस करता है, ये इंप्योरिटीज़ ख़त्म करता है, डेड स्किन को उतारता है, आपकी रिजनरेट करता है स्किन को और स्किन की टाइटनिंग करता है और आपको टोनिंग करता है। सो अच्छे से मैं इसको मसाज कर रही हूँ
और वाकई गाइस यू कैन फील द डिफरेंस, बहुत अच्छा इसने क्लेंस किया था। मैं इसको निकालूंगी, अब देखिए सारा फॉर्म नीचे ट्रांसफ़र हो गया है, यानी कि इतना डीप क्लेंस था, मज़ेदार टेक्सचर था। मुझे लग रहा था इसे मैं अपने स्किन को, कभी आप मोरक्कन बात लें, जो मेरे लोग यूएई में दे नो बेटर मोरक्कन, का मतलब है कि बहुत ही डीप क्लेंस करता है। रियली मुझे लगा कि स्किन एकदम साफ हो गई है। फिर आप टॉवल से हल्का सा रिमूव करिए एंड देन वॉश इट। देखिए गाइज व्हाट अ स्प्लेंडेड एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू दिस इज अमेजिंग, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रियलिटी। मैंने अभी आपको दिखाया है किस तरह से मैंने इसको लगाया है, सारा एक्सपीरियंस, ग्रीन टी, ऑक्सीजन मास्क, दिस इज टू गुड पिक्चर मैंने यहाँ अपलोड कर देती हूँ साथ साथ ताकि आप देख सकें। दिस इज अमेजिंग, ग्रीन टी मास्क है और एकदम से ड्राई कर दिए मेरी स्किन, दैट इज इन अ काइंड ऑफ गुड इन समर, क्योंकि आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं बाद में, लेकिन जिस तरह इसने सफाई की है मेरी, वाओ अमेजिंग। मेरी तरह से टोटली टोटली रिकमेंडेड है, आपकी स्किन चाहे जैसे भी है बट नॉट ऑन वेरी सेंसिटिव स्किन, और जब कोई पिंपल हो या कोई इरिटेशन है ऑलरेडी या सनबर्न है कोई, आप इसको बिल्कुल यूज मत कीजिए, बट अदरवाइज दिस इज टू गुड। So I'm sure this is in summer, this thing is really really good, आप इसको use करें और फिर मुझे बताएं कैसी है स्किन, एकदम से खूबसूरत बहुत साफ हो गई, जैसे किसी ने कूची, जैसे आप कभी बर्तन धोए कूची लगाते हैं ना, बिल्कुल वो हाल हो गया स्किन का, जो कूची मार मार के साफ हो गई है। सो इसको इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताइए, और अगर कुछ पूछना है आपने तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी सब डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी आपके आसानी के लिए। इंपॉर्टेंट बात, ये मिलेगा कहाँ से? तो जनाब इसका जो लिंक है, जी हाँ इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, वहां से आप इसको ले सकते हैं। एंड बिलीव यू मी दिस इज वर्थ बाइंग इन दिस सीजन, स्पेशली इन फॉर समर्स। सो गो अहेड, आप ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरी तरफ से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जनाब तो जनाब जल्दी से सारी वो मदर्स, सारी वो माएँ, सारी वो बहनें, सारी वो आंटियाँ वगैरह सब मुझे सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं बहुत मज़े की चीज़ें लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो अगली वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा, तब दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।